क्या आप कोलॉन कैंसर और उसके लक्षण के बारे में जानते हैं? खास तौर पे वो लक्षण जो शुरुआत में बीमारी के देखे जाते हैं, जिससे कि बीमारी का जल्दी पता लग सके, इसके बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर विवेक मंगला, डायरेक्टर जीआई और एचपीवी सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली और पटपरगंज दिल्ली से आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कोलॉन कैंसर के बारे में और उसके लक्षण, खास तौर पे शुरुआती लक्षण, जिससे कि बीमारी को समय से पता लगाने में मदद मिल सकती है, उसके बारे में बताऊंगा। कोलॉन कैंसर क्या है? कोलॉन कैंसर हमारे ही शरीर की जो बड़ी आंत, जिसको कोलॉन बोला जाता है, उसमें होने वाले कैंसर को कहा जाता है। कोलॉन हमारे शरीर में पेट में रहता है और वो पेट के दाहिनी तरफ, बाईं तरफ और ऊपर की तरफ तीन पार्ट्स में रहता है, जिसको कि राइट कोलॉन यानी दाहिनी साइड का कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन यानी जो वो पार्ट कोलॉन का जो दाईं से बाईं साइड की तरफ जाता है, और एक लेफ्ट कोलॉन यानी बाईं साइड का कोलॉन, जिसे डिसेंडिंग कोलॉन कहा जाता है। अगर हम कोलॉन कैंसर के लक्षण की बात करते हैं, तो जो कोलॉन कैंसर के लक्षण हैं वो इस पर भी निर्भर करते हैं कि बीमारी किस हिस्से में है। जो राइट साइड के कोलॉन के ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं, उसके अंदर जो लक्षण देखे जाते हैं वो ज़्यादातर पेट में दुखन होना, या कभी कभी उन ट्यूमर से धीरे धीरे रक्त का रिसाव या ब्लीडिंग होने की वजह से जो मरीज रहते हैं वो अनीमिया या खून की कमी या उसकी वजह से होने वाली कमजोरी की के बारे में उन्हें पता चलता है। अगर हम ट्रांसवर्स कोलॉन और लेफ्ट कोलॉन के ट्यूमर्स की बात करते हैं, तो जो लेफ्ट कोलॉन के ट्यूमर्स होते हैं उसमें पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होना या फिर हाल फिलहाल मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना, मोशन में ब्लड आना या फिर पेट में दर्द रहना और साथ में पेट फूलना। खास तौर पे अगर इन जो लक्षण हैं, इन लक्षणों का कोई भी कॉम्बिनेशन यानी दो या तीन लक्षण एक साथ हैं, तो उस स्थिति में कोलॉन कैंसर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है और उसकी समय से जांच की जानी चाहिए। समझने की चीज़ ये है कि अगर किसी व्यक्ति की एज यानी उम्र 50 साल से ऊपर है, या उनको फैमिली हिस्ट्री है यानी परिवार में किसी को कोलॉन का कैंसर रहा है, ये तो फिर शुरुआत के बहुत थोड़े से ही लक्षण होने से जांच करना चाहिए। अगर यंगर पेशेंट्स हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि कैंसर होने की संभावना कम है, वहां पर अगर लक्षण कुछ समय परसिस्ट कर रहे हैं या लक्षण जो है वो चले जा रहे हैं, थोड़ी बहुत दवाई कराए उससे आराम नहीं करा आया है, तो उस स्थिति में भी आगे जांच कर कर पता चलना करना चाहिए कि कहीं कोलॉन में कैंसर तो नहीं बढ़ रहा है। कोलॉन कैंसर के जो लक्षण हैं वो बीमारी कहाँ तक है उस पर भी निर्भर करते हैं। कहाँ तक है से मतलब कि बीमारी कोलॉन के किस हिस्से में है और कोलॉन की जो कैंसर है वो किस स्टेज यानी कहाँ तक फैली है। शुरुआती जो बीमारी रहती है वो कोलॉन के अंदर लिमिटेड रहती है, जिसको स्टेज 1 या 2 कहा जाता है। उस स्थिति में जो लक्षण रहते हैं वो ब्लीडिंग होना, पेट में दुखन होना, पेट फूलना, ये रहते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़कर अगर स्टेज 4 की तरफ जाती है, जिसके अंदर बीमारी फैली हुई है, तो उसमें वेट लॉस यानी वजन कम होना, भूख कम होना, कुछ मरीजों में पेट में पानी भरने से पेट फूलने लगना और पेट में दुखन बढ़ना, ये सब दिक्कत रहती है। अगर हम एडवांस स्टेज कोलॉन कैंसर की बात करते हैं, तो उसमें इन सब लक्षणों के साथ और अधिक लक्षण देखने को मिलते हैं जो काफ़ी कैंसर्स में कॉमन रहते हैं, जैसे कि भूख कम लगना, वजन कम होना, पेशेंट को जॉन्डिस आना, बहुत अधिक खांसी रहना, पेट में पानी भरने की वजह से पेट फूलना, ये सब लक्षण अगर आ रहे हैं तो ये जनरली ये बताते हैं कि शायद बीमारी एडवांस स्टेज है, यानी बीमारी फैलने की संभावना इन लक्षणों के साथ ज़्यादा रहे। इस वीडियो में हमने आपको कोलॉन कैंसर और उसके लक्षण के बारे में बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाने से हम जब भी नया वीडियो इस सब्जेक्ट पर डालते हैं तो आपको उसका अपडेट मिल सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जा सकते हैं और अपॉइंटमेंट्स के लिए उसी वेबसाइट के ज़रिए या हमारे अपॉइंटमेंट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।